आज के दिन 1920 में भारत के प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक सतीश धवन का जन्म हुआ था। देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। सतीश धवन को विक्रम साराभाई के बाद देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वे इसरो के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए थे। प्रोफेसर धवन ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में कई सकारात्मक बदलाव भी किए थे। सतीश धवन के प्रयासों से ही संचार उपग्रह इनसेट, दूरसंवेदी उपग्रह IRS और ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV का सपना साकार हो पाया था। आंध्र प्रदेश में स्थित भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के रूप में पुनर्नामकरण किया गया। भारत सरकार की ओर से उन्हें 1971 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1983 में आज ही के दिन उत्तरी आयरलैंड में एक उच्च सुरक्षा वाली जेल में से 38 कैदी भाग निकले। इस योजना को डर्मट फिनुकेन नाम के व्यक्ति ने अंजाम दिया था। जेल तोड़कर भाग निकलने के बाद 19 कैदियों को वापस गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाकी बचकर भाग निकले। कुछ लोग जो कई प्रयासों के बावजूद नहीं पकड़े जा सके, उन्हें दोबारा कभी नहीं पकड़ा जा पाया। बाकियों को उत्तरी आयरलैंड शांति समझौते के अंतर्गत माफी दे दी गई। मेज जेल को गुड फ्राइडे समझौते के अंतर्गत बंद कर दिया गया और कैदियों को सितंबर 2000 में दूसरी जेलों में भेज दिया गया। 1992 में आज ही के दिन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 1018 किलोग्राम का एक रोबोट मार्स ऑब्जर्वर स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में भेजा। इसका नाम मार्स जियोसाइंस क्लाइमेटोलॉजी ऑर्बिटर था। इस रोबोट का उद्देश्य था मंगल ग्रह की सतह, वातावरण, मौसम और चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाना। यान मंगल की कक्षा में पहुंचता उससे 3 दिन पहले 21 अगस्त 1993 को नियंत्रण केंद्र का संपर्क यान से टूट गया। इसके बाद इससे कोई संपर्क नहीं बन सका। 1994 में फिर सोलर सिस्टम एक्सप्लोरेशन कमेटी ने उच्च प्राथमिकता वाला मार्स मिशन बनाया। अंतरिक्ष यान को मंगल ग्रह के 1 साल यानी 687 दिन तक इस ग्रह को देखना था। 1 साल से थोड़े कम में यह अंतरिक्ष यान मंगल पर पहुंच गया था। बाद 2012 में मार्स रोवर नाम का मशहूर अंतरिक्ष यान मंगल पर पहुंचा, जिसने इस लाल ग्रह के बारे में बहुत जानकारी और तस्वीरें धरती पर भेजी। 1996 में आज ही के दिन तालिबान लड़ाके काबुल के बेहद नजदीक तक पहुँच गए थे। 2 दिनों बाद उन्होंने काबुल पर कब्जा कर लिया और अफगानिस्तान को इस्लामिक देश घोषित कर दिया। उन्होंने अफगानिस्तान पर शरिया कानून लागू कर दिया, जिसके अंदर अंगों को काटने और दोषियों को पत्थरों से मारने का प्रावधान है। अफगानिस्तान पर मुल्ला उमर की पकड़ 9/11 के बाद खत्म हुई, जब विपक्षी उत्तरी गठबंधन की सेना ने अमेरिका की मदद से काबुल की ओर कूच किया।